इरादे जारूस, एक तो इतने दिनों से तुमने मुझे यहाँ पर कैद कर रखा है, दूसरे रोज रोज आकर मेरा जीना हराम करते हो। अरे इससे तो अच्छा है कि तुम मुझे मार ही डालो, मार ही डालो मुझे, तुम मुझे मार ही डालो। मैं तुम्हें नहीं मारूंगा रुखसार। अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो तुम्हारे बूढ़े बाप का सर काट के जरूर ले आऊंगा। मेरे बाप से तुम्हें क्या दुश्मनी है जालिम? अगर ऐसा ही है तो मेरा सर काट लो, कम से कम इस मुसीबत से तो छुटकारा मिलेगा। देखो, मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से चुप हूँ, तुम्हारी वजह से। अगर मैं चाहूँ तो तुम्हारे बूढ़े बाप के साथ साथ पूरे निगारिस्तान को रात का ढेर कर सकता हूँ, समझी? निगारिस्तान? ये क्या मजरा है? सोच क्या रही हो? जवाब दो मेरी बात का, जवाब दो मेरी बात का। अरे जालिम, ये तो सोच कि मेरा बाप मेरे गम में रो रो कर पागल हो गया होगा। अपने बूढ़े बाप का इतना ख्याल है तो मुझसे शादी कर लो। कल मैं तुम्हारे बाप को यहाँ ले आऊंगा, तुम्हारे सामने ही उसका सर उड़ा दूंगा। सिर्फ कल तक की मोहलत देता हूँ, कल तक की, वरना पूरे निगारिस्तान का नामो निशान मिटा दूंगा। अपनी ताकत पर इतना नाज मत कर, जालिम के दिन बहुत थोड़े होते हैं और हर जालिम का अंजाम बहुत बुरा होता है। मेरे अंजाम की फिक्र मत कर, अपने बूढ़े बाप के अंजाम पे गौर कर। अरे बेवकूफ, मौत कब आएगी और किस शक्ल में आएगी ये कोई नहीं बता सकता। मेरी मौत कभी नहीं आएगी, मैं नहीं मरूंगा। मैं तुमसे शादी करके ही दम लूंगा। रुखसार, 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 कौन हो तुम? यहाँ से चले जाओ, वरना अगर उस जालिम देव को तुम्हारी भनक भी पड़ गई तो तुम मुफ्त में मारे जाओगे। मेरा नाम सिंधबाद है, मैं निगारिस्तान से सुनहरे दरख्त की पत्तियां लाने जा रहा था, मगर तुम्हें मुसीबत में देखा तो यहाँ रुक गया। मैं निगारिस्तान के बादशाह की लड़की हूँ, इस जालिम देव ने मुझे यहाँ कैद कर रखा है। वो सारी बातें मैंने सुन ली हैं, मुझे बस अब ये बताओ कि मैं तुम्हें यहाँ से किस तरह निकाल सकता हूँ। मुझे यहाँ से सिर्फ वो देव ही निकाल सकता है, या फिर? फिर क्या? वो सामने वाले पहाड़ के खो में बहुत बड़ी आग जल रही है, उस आग के मरकज में एक अजीब हीरा है। उस हीरे का कमाल ये है कि उसके अंदर से ऐसी किरणें निकलती हैं जिनसे ये चट्टान पिघल जाएगी। मैं वहां जाकर वो हीरा लाऊंगा और तुम्हें यहां से निकाल लूंगा। नामुमकिन, उस हीरे को इस जालिम देव ने ऐसी जगह रखा है
जहाँ हर कदम कदम पर खतरा है, ये काम किसी इंसान के बस का नहीं। या देव खुद तुम्हें मार डालेगा या खूनी मकड़ी तुम्हें खा जाएगी। तुम उसकी फिक्र मत करो, तुम तो बस खुदा से दुआ करो कि वो मुझे कामयाब करे। मैं दिलोजान से दुआ मांगूंगी कि तुम वो हीरा लेकर सही सलामत लौट आओ, और फिर मैं तुम्हें खुद अपने साथ निगारिस्तान ले चलूंगी और अब्बाजान से कहकर तुम्हें सुनहरे दरख्त की पत्तियां दिलवाऊंगी। शुक्रिया, मगर पहले मुझे तुम्हारी मुश्किल हल करनी है। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। Thank you.
तक पहुंच गया। मेरी ताकत, मेरी रोशनी कब्जे में कर ली। तो तू रोशनी ले आया, रुखसार को मेरी कैद से आजाद कराया, तू बच के कहां जाएगा? अब तू बच के कहां जाएगा? ये तीर उसकी दो आंखों के बीच में मार दिया तो वो मर सकता है, नहीं तो वो हम दोनों को मार देगा। आदमजाद, खो दीन अपनी जान। रुखसार को बचाने के चक्कर में, रुखसार अब तू मुझसे बचकर कहां जाएगी? चलो अब हम निगारिस्तान जाएंगे। मगर जाएंगे कैसे? तुम उसकी फिक्र मत करो। रुखसार,
मेरी बेटी रुखसार। अब्बा जान रुखसार, मेरी बेटी अब्बा जान रुखसार, अब्बा जान मेरी बेटी रुखसार, अब्बा जान रुखसार, अब्बा जान रुखसार, मेरी बेटी। क्या तुझे उस बदमाश और बेईमान ने रिहा कर दिया? नहीं अब्बा जान, वो जलील और बेरहम जिन मुझे क्या रिहा करता, मुझे तो इस सिंदबाद की वजह से रिहाई मिली, जिसने उस जिन का कत्ल करके हम सब पर एहसान किया है। तुम्हारा तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटे, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मुझे नई जिंदगी दी है, वरना मैं तो जीते जी मर गया था। उस जालिम ने मेरी आंखों का नूर छीन लिया था। खुदा का शुक्र है कि तुमने उस जालिम को मार दिया। हर जालिम का यही अंजाम होता है और यही कुदरत का कानून है। तुम ठीक कहते हो बेटे, पर यह एहसान तुमने किया है और हम इसके बदले में अपनी पूरी बादशाहत तुमको देने को तैयार हैं। मुझे दौलत की कोई तलब नहीं, मेरे पास अल्लाह का दिया बहुत कुछ है। लेकिन लेकिन कुछ दिन तो अपनी खिदमत करने का मौका दीजिए। बस आप मुझे सुनहरी दरख्त की पत्तियां इनायत कर दीजिए, यही बहुत बड़ा एहसान होगा। पत्तियां क्या, तुम पूरा दरख्त ले जाओ, मगर उन पत्तियों की तुम्हें इतनी क्या जरूरत आ पड़ी? अब्बा जान, हाँ? बगदाद की शहजादी जो अभी बहुत कमसिन है, उसकी आंखें जाती रही हैं। जिसका इलाज सिर्फ सुनहरी दरख्त की पत्तियों से मुमकिन है, जो सारी दुनिया में सिर्फ आपके पास है। पत्तियां क्या, तुम मेरी जान ले लो, मगर कुछ दिन हमारे मेहमान बन के रहो। मैं आपकी ख्वाहिश का एहतराम जरूर करता, मगर वहां वहां बगदाद में एक मासूम बच्ची सिर्फ मेरे इंतजार में अपनी जिंदगी के दिन गिन रही है, इसलिए इसलिए मेरा एक एक पल बहुत कीमती है। क्या एक रात भी नहीं रुक सकते? जरूर, मैं आज की रात यहां जरूर रुकूंगा, मगर सुबह होते ही चला जाऊंगा। खुदाया तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने मुझे तला तारा की खिदमत का मौका दिया। आइए चलिए। ये तुम्हारे आराम का कमरा है, अब तुम आराम करो, कल सुबह फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। और हां, अगर किसी चीज की जरूरत पड़े तो इसे बजा देना, खिदमतगार हाजिर हो जाएंगे। जी बेहतर है।
इस तरह हैरत से मत देखो सिंदबाद, मैं तुम्हारा हमशक्ल हूं, चाहो तो जुड़वा भाई भी कह सकते हो। यह भी कुदरत का एक खेल है मेरे भाई, जो उसने तुम्हारी और मेरी शक्ल एक जैसी बना दी। हां, मगर नाम अलग अलग है। मेरा नाम बतरूस है और तुम्हारा सिंदबाद। मगर तुम यहां, मैं यहां का पहरेदार हूं, तुम्हें यहां देखा, तुम्हारे बारे में सुना तो मिलने चला आया। बड़ी खुशी हुई तुमसे मिलकर। बतरूस, मार डालोगे क्या? मैं तेरी हड्डियां चूर चूर करके तुझे कहरमान के हवाले कर दूंगा। Yeah.
ये लो बेटे सिंधबाद, सुनहरी दरख्त की पत्तियां। अब जाकर तला तारा की आंखें ठीक कर दो। शुक्रिया जनाब, शुक्रिया। अब्बा जान, आपको सिंधबाद में कोई तब्दीली नजर नहीं आई? कैसी तब्दीली? कल शाम तक सिंधबाद की आवाज इतनी भारी न थी। हाँ, ये तो तुम ठीक कहती हो। ऐसा लगता है जैसे कोई पत्थर का बुत है, न चेहरे पर नरमी और न कोई शराफत। और हाँ, एक बात और भी है। वो क्या? सुनहरी पत्तियां देखकर भी उसके चेहरे पर खुशी की झलक ही नजर नहीं आई। पत्थर की तरह सपाट है उसका चेहरा, जरूर कोई गड़बड़ है। ठहरो सिंधबाद। तुम सिंधबाद नहीं हो, तुम कोई धोखेबाज और बहरूपिये हो। मैं सिंधबाद नहीं हूँ, सिंधबाद बनकर असली सिंधबाद को लेने आया हूँ और अब ले जाऊंगा। सिपाहियों, गिरफ्तार कर लो इसे। Thank you.
उठ। शुक्रिया रुखसार, शुक्रिया बादशाह सलामत, मगर अब इस धोखेबाज का क्या करें? मगर ये तुम्हारा हमशक्ल है कौन? ये मेरे दुश्मन कहरमान की एक साजिश है, ये उसी का आदमी है। कहरमान यानी वो समंदरी डाकू? जी। अब हम दुश्मन की चाल उसी के मुंह पर दे मारेंगे। वो कैसे? कहरमान ने तुम्हारी सूरत का फायदा उठाकर हमें धोखा दिया था, अब हम इसकी सूरत का फायदा उठाकर कहरमान को धोखा देंगे। शिकारी खुद अपने जाल में फंस जाएगा। मगर कैसे? हम इसे सिंदबाद बनाकर कहरमान के पास भेज देंगे, क्योंकि यह गूंगा हो गया है और बोल नहीं सकता। कहरमान इसे सिंदबाद समझकर मार डालेगा, लेकिन जब उसे सच्चाई मालूम होगी तो वो अपना सर पीट लेगा। वाह, आपने चाल तो बड़ी अच्छी सोची है। हाँ, मगर कहरमान के होशियार होने से पहले तुम्हारा बगदाद पहुंचना बहुत जरूरी है। मगर इतनी जल्दी मैं वहां पहुंचूंगा कैसे? तुम इस गलीचे पर सवार हो जाओ, यह तुम्हें बगदाद पहुंचा देगा और हम इसे कहरमान के पास भेज देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा रुखसार, बादशाह सलामत, खुदा हाफिज़।